बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1,000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। आज देश भर में भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है। आज इस पावन दिन के मौके पर केदारनाथ के कपाट परंपरा अनुसार शुभ लग्न में शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। हर साल विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का समय महाशिवरात्रि पर्व पर तय होता है, जबकि मंदिर के कपाट बंद होने की तिथि पौराणिक परंपरा अनुसार भैया दूज पर्व पर निर्धारित है। केदारनाथ के कपाट आज सुबह 8 बजे विधिवत पूजा अर्चना के साथ बंद हुए। सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ कपाट बंद होने के बाद पंचमुखी विग्रह मूर्ति विभिन्न पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में विराजमान होंगे। अगले 6 महीने भोले बाबा के दर्शन यही कर पाएंगे। वहीं बद्रीनाथ के कपाट 20 नवंबर से बंद कर दिए जाएंगे। इससे पहले शुक्रवार को गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर्व पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ 12:15 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए, जिसके बाद मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन पड़ाव मुखीपट मुखबा पहुंची। वहीं शनिवार को दोपहर 12:45 पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद होंगे। आपको बता दें कि सर्दी शुरू होने के साथ ही यात्रा बंद कर दी जाती है, क्योंकि तब ये बर्फ से ढके होते हैं। इस साल अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम की यात्रा की है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ और उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर स्थित हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।